नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा विशेष टॉपिक होना है चंद राजवंश, और चंद राजवंश के अंतर्गत उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि चंद राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन था उसका वास्तविक संस्थापक, कौन था उसका संस्थापक, और किस प्रकार चंदों का उदय हुआ उत्तराखंड में। और आज हमें पढ़ना है कि राजा थोहर चंद से लेकर उसके बाद के राजाओं का इतिहास। इससे पहले हमने सोमचंद से थोरचंद तक का इतिहास पढ़ा था, चलिए उसी सीरीज में चलते हैं। राजा थोरचंद जो कि चंदवंश का वास्तविक संस्थापक था, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चंद राजवंश में खासकर रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, भारती चंद कुछ ही चंद राजा हैं जिनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत के या बहुत सारे जो चंद राजा यानी 62 चंद राजाओं में से अधिकांश चंद राजाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस सीरीज को तोड़ना नहीं है और इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले थोरचंद, 1261 से लेकर 1275 तक का टाइम पीरियड है। थोरचंद इस वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसकी बात हम पहले भी कर ही रहे थे, वास्तविक संस्थापक था। वैसे नंबर के हिसाब से चंद वंश का 23वां राजा है। दो प्रश्न पहले मिल गए, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर और है हमारे पास। 1813 में डब्ल्यू फ्रेजर द्वारा लिखी गई पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में से जानकारी मिलती कि चंद वंश का संस्थापक थोरचंद था। मतलब डब्ल्यू फ्रेजर ने चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना है, लेकिन हम फिर भी चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को इसलिए मानते हैं क्योंकि बद्रीदत्त पांडे, एटकिंसन, अधिकांश इतिहासकारों ने सोमचंद को ही चंद वंश का संस्थापक भी माना है, जिससे संबंधित प्रमाण हम लोग प्रस्तुत कर भी चुके हैं, काफी कुछ उस पर काम भी कर चुके हैं। लेकिन डब्ल्यू फ्रेजर का क्या कहना है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था? थोरचंद। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है कि चंदवंश का संस्थापक थोरचंद था? तो डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल में। और कौन सी कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसा व्यक्ति या इतिहासकार जिसने थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है? तो वो है फ्रांसिस हैमिल्टन। 1881 में फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल से जानकारी मिलती है कि थोरचंद ने झूंसी यानी इलाहाबाद से आकर नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी की थी, और आगे चलकर उसी ने चंपावत के नाम पर कूर्मांचल क्षेत्र में चंपावत राज्य की स्थापना की। तो इसका मतलब फ्रांसिस हैमिल्टन का मानना भी यही है कि थोरचंद ही चंदवंश का संस्थापक था। तो थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक कहने वाले दो बड़े नाम हमारे पास हैं, डब्ल्यू फ्रेजर, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब ब्रिटिश नाम है यानी विदेशी नाम है जिन्होंने थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है। लेकिन जो भी रहा, थोरचंद का शासनकाल इतना अवश्य रह गया होगा, वास्तविक संस्थापक था, मतलब था कि धीरे धीरे चंद राज्य शक्तिशाली हो रहा था। और थोरचंद के बाद कल्याणचंद प्रथम गद्दी पर बैठे, बहुत सारे कल्याणचंद आने वाले हैं, उसमें पहला नाम ये है कल्याणचंद प्रथम। और फिर त्रिलोकचंद का टाइम पीरियड है। त्रिलोकचंद का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1296 से लेकर 1313 का टाइम पीरियड है त्रिलोकचंद का। क्या खास किया? कत्यूरियों की कमजोरियों का लाभ उठाकर त्रिलोकचंद ने छकाता राज्य, छकाता राज्य यानी भीमताल से लगा हुआ पूरा क्षेत्र जो नैनीताल के अंतर्गत आता था, को जीतकर भीमताल में एक किला बनाया था। किस चंद राजा ने छकाता राज्य में एक किला बनाया था? छकाता का किला, भीमताल का किला, तो त्रिलोकचंद ने। और इसका टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी से मैच करता है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड ही 1296 से लेकर 1316 तक लगभग है। तो त्रिलोकचंद अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन है, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा, और क्या क्या त्रिलोकचंद ने इसका राज्य का विस्तार न केवल छकाता बल्कि बारामंडल, अल्मोड़ा का हिस्सा, पाली पछाऊँ, अल्मोड़ा का गढ़वाल से लगा हुआ हिस्सा, और छकाता यानी भीमताल और नैनीताल का हिस्सा, ये इसका साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत आ गया था। मतलब चंदों का साम्राज्य विस्तार हो रहा है। अच्छा, और त्रिलोकचंद के बाद डमरूचंद, धर्मचंद और अभयचंद गद्दी पर बैठे। और ये वो टाइम पीरियड है लगभग जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का पतन होने लगा और तुगलक वंश की स्थापना होली। मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के समय चंद राजा धर्मचंद का शासनकाल था। लगभग मोहम्मद बिन तुगलक का जो कराचिल अभियान था माना जाता है। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक अपने अनेक अभियानों की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, दिल्ली का पागल सुल्तान कहलाया, या फिर कराचिल अभियान लगभग 1336-37 का माना जाता है। तो इस समय उत्तराखंड का चंद राजा धर्मचंद हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान यानी चीन और तिब्बत से लगी हुई हमारी सीमा को प्राप्त करने के लिए ये अभियान था,
तो उसमें चंद राजा कौन था, जो धर्मचंद था, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद राजा अभयचंद का टाइम पीरियड शुरू है, और अभयचंद के बारे में हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि अभयचंद ने एक अभिलेख खुदवाया था जो लोहाघाट से मिला है। अभयचंद द्वारा लोहाघाट चंपावत से 1371 में एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ है। ये चंद राजवंश की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत भी है, जो कुमाऊनी भाषा का है, कुमाऊनी भाषा में लिखा गया है अभिलेख, या फिर ये कहिए कि कुमाऊनी भाषा का पहला अभिलेख, और चंद शासन व्यवस्था तथा राजवंशावली की जानकारी देता है। तो कुमाऊनी भाषा का पहला अभिलेख अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आपको अभयचंद का लोहाघाट से प्राप्त हुआ ताम्रलेख ध्यान रहना चाहिए, जो कि 1371 का है, और पूरी तरह से चंद राजवंश शासन व्यवस्था और राजवंशावली की जानकारी देता है। ये अच्छा सा प्रश्न था अभयचंद से। और अभयचंद दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद तुगलक, यानी MBT कहते हैं हम जिसे, 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहा। MBT का काफ़ी सुर्खियों में रहा दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ये कहो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार इसी का हो रहा था उस समय यहाँ का राजा अभयचंद, और फिरोज तुगलक बाद में 1351 के बाद फिरोज तुगलक राजा बन गया, तो उसके समकालीन अभयचंद राजा था। चलिए इसी कड़ी में अब तक का चंद वंश में सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद या ज्ञानचंद, टाइम पीरियड फिरोज तुगलक से मैच कर रहा है, 1374 से लेकर 1419, 1351 के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक का टाइम पीरियड हो गया था। तो गरुड़ ज्ञानचंद या ज्ञानचंद, चूंकि गरुड़ उसका राज प्रतीक था उस समय, इस वजह से गरुड़ ज्ञानचंद, तो 29वां राजा है चंद वंश का, 29वां शासक, और लगभग 45 वर्षों तक राज किया इसने। चंद वंश में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला चंद राजा कौन था, तो गरुड़ ज्ञानचंद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है इससे पहले, ज्ञानचंद सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला चंद राजा है, मतलब सबसे लंबे समय तक गद्दी पर रहा वो 45 वर्षों तक। ये अच्छा सा प्रश्न था हमारे पास, और ये चंद वंश का 29वां राजा था। चलिए और प्रश्न देखते हैं, और क्या हुआ उसके समय। ज्ञानचंद ने तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक से भेंट की थी, फिरोज तुगलक का टाइम पीरियड से मैच कर रहा है, यानी फिरोज तुगलक उसके समकालीन था, और उससे भेंट की थी, और उसी की कृपा से, यानी फिरोज तुगलक की कृपा से उसे तराई भावर का क्षेत्र जो रोहिलों के अधिकार में था प्राप्त हो गया था। मतलब पहली बार तराई भावर का जिक्र हमें फिरोज तुगलक के समय सुनाई देता है, और संभवतः फिरोज तुगलक ने तराई भावर का क्षेत्र गरुड़ ज्ञानचंद को भेंट किया था, और गरुड़ ज्ञानचंद ने अपनी बाहुबल से, अपनी योग्यता से उसे प्राप्त किया था, और वो फिरोज तुगलक से मिला था, तब पहली बार उसने उसका प्रतीक गरुड़ देखा गया है, इस वजह से राज प्रतीक गरुड़ कह रहा है। वैसे हम जानते हैं कि चंदों का राज प्रतीक गाय था, तो ज्ञानचंद का राजचिन्ह गरुड़, और उसे गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश चंद राजाओं का राजप्रति गाय थी ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर ज्ञानचंद का पूछे तो गरुड़ था, गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक माना गया उसे। और फिर हम जनरली ये भी कह देते हैं कि ज्ञानचंद को ही, यानी ज्ञानचंद को फिरोज तुगलक द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी, तो ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद किसने उपाधि दी है, तो फिरोज तुगलक ने। अच्छा सा प्रश्न है। खैर, ज्ञानचंद का इतना प्रभाव तराई भाबर तक विस्तार, ये सब किसकी वजह से रहा, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम होगा, उसका प्रसिद्ध सेनापति नीलुकट है। वैसे तो जनरल प्रश्न पूछता है कि नीलुकट है किसका वीर सेनापति था, लेकिन फिर भी ज्ञानचंद का प्रसिद्ध वीर सेनापति नीलुकट है था, जिसने तराई भाबर में रोहिला सरदारों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा, जिस कारण उसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई, कुमाऊं की शान कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई, जागीर के रूप में उसे जमीन दे दी गई, और रौद भूमि यानी वीर रौद मतलब वीरता पुरस्कार के रूप में उसे 3 गांव प्रदान किए गए। तो जनरल प्रश्न अगर पूछता है तो ये पूछता है कि नीलू कठैत किस चंद राजा का सेनापति था, तो आप कहोगे गरुड़ ज्ञानचंद का, और उसे कौन सी उपाधि थी, तो कुमैया खिल्लत की उपाधि प्राप्त थी। ये उपाधि उसने अपने बाहुबल से अपनी ताकत के बल पर ली थी, और उसके रौद भूमि के रूप में उसे 3 गांव भी दिए थे। लेकिन बाद के कालों में गरुड़ ज्ञानचंद और कुमैया खिल्लत अर्थात नीलू कठायत के संबंध में थोड़ा सा मतभेद होने लगे, खटास आने लगी। इतिहासकार लिखते हैं कि ज्ञानचंद द्वारा एक दरबारी जस्सा सिंह कमलेखी के कहने पर नीलू कठायत को मरवा दिया गया था, और उसके 2 पुत्रों सुजू और वीरू की आंखें निकलवा दी गई, ये भी इतिहासकार लिखते हैं।
तो मतलब बाद के काल में गरुड़ ज्ञानचंद और उसके वीर सेनापति नीलू कठायत के संबंध में खटास आ गई और उसमें जस्सा सिंह कमलेखी के कहने पर यह सब हुआ, ये भी लिखा गया है। चलिए गरुड़ ज्ञानचंद की कहानियां चल रही हैं और क्या। गरुड़ ज्ञानचंद के समय अपने साम्राज्य विस्तार के तहत महाराजा धीराज की उपाधि, अभी तक चंदों में हमने महाराजा या महाराजा धीराज की उपाधि का कोई उल्लेख नहीं करा था, पहली बार गरुड़ ज्ञानचंद था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। इसका उल्लेख कहाँ है, ली कि नहीं, तो इसका उल्लेख सेरा खड़कोट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है और इसमें क्या है कि गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा ली गई उपाधि का जिक्र है, यानी महाराजा धीराज की उपाधि जो उसने धारण की। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। चलिए और देखते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद एक शक्तिशाली शासक था जिसे सोर का विजेता, ये प्रश्न पूछा है डायरेक्ट, सोर का विजेता किसे कहा गया है कि सोर का विजेता, सोर यानी पिथौरागढ़ सोर घाटी का विजेता कहा जाता है, जिसका उल्लेख मझेड़ा अभिलेख और एक मिल गया मझेड़ा, मझेड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो दो अभिलेख आए, सेरा खड़कूट ताम्रपत्र और मझेड़ा अभिलेख, ये दोनों कहीं ना कहीं गरुड़ ज्ञानचंद के हैं और मझेड़ा ताम्रपत्र या मझेड़ा अभिलेख में उसे सोर का विजेता यानी पिथौरागढ़ का विजेता कहा गया है और सेरा खड़कूट ताम्रपत्र में उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। तो दो के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानचंद के समय और क्या हुआ था, कुंजीपाल तथा कीर्तिपाल नामक दो भाइयों की हत्या करवाई गई। कुंजीपाल और कीर्तिपाल नामक दो भाइयों की हत्या चंद वंश के राजा गरुड़ ज्ञानचंद के समय हुई है, करवाई गई थी। इसलिए खायकारों ने कुंजीपाल के भाई क्षेत्रपाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। खायकार जन विद्रोह, ये पूछा क्वेश्चन है कि खायकार जन विद्रोह किस चंद राजा के समय हुआ, अगर आता है तो खायकार मतलब किसान, खायकार मतलब राजा की जमीन पर कमा खाकर रहने वाले लोग यानी किसान, तो इसलिए खायकार जन विद्रोह कहा जाता है। तो क्यों हुआ खायकार जन विद्रोह, ये कहानी लिखी हुई है कि ज्ञानचंद ने जब कुंजीपाल था कीर्तिपाल नामक दो भाइयों की हत्या करवा दी, तो इसलिए खायकारों ने यानी किसानों ने कुंजीपाल के भाई क्षेत्रपाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसे खायकार जन विद्रोह कहते हैं। तो पहली बार इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला फिर से हमें कि खायकार जन विद्रोह किसके समय हुआ था, गरुड़ ज्ञानचंद। तो खायकार का मतलब क्या है, किसान। चलिए और आगे प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न था एक फिर से। गोबासा ताम्रपत्र, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पहले ही पूछा था, गोबासा ताम्रपत्र ले किस चंद राजवंश से संबंधित या राजा से संबंधित है, तो गरुड़ ज्ञानचंद। गोबासा या कहीं इसे गोबासा मिलेगा, ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ज्ञानचंद ने कुजौली गांव देवराज तिवाड़ी को दान दिया था, मतलब उस वो दान भी देता था, उसने उसके दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो कुजौली गांव उसने देवराज तिवाड़ी को दान दिया था, जो उसके दरबार में रहने वाला एक धर्माधिकारी यानी एक विद्वान था, एक धर्माधिकारी था। तो ये इसका उल्लेख है गोबासा ताम्रपत्र। तो हमारा जो डायरेक्ट प्रश्न ये था कि गोबासा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो गोबासा सेरा खड़कूट मझेड़ा ये सब गरुड़ ज्ञानचंद। चलिए गरुड़ ज्ञानचंद से काफ़ी प्रश्न मिले हमारे पास। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिचंद और उसका भाई उसके बाद उद्यानचंद, यानी हरिचंद और उद्यानचंद गद्दी पर बैठे। तो फिर उद्यानचंद से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा हमारे पास तो वो देखेंगे हम। ये है उद्यानचंद, क्या खास है देखते हैं। उद्यानचंद द्वारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। बालेश्वर मंदिर किसने बनाया होगा ये एक अनुमान है, कब बना होगा एक अनुमान है, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन काल के मंदिर हैं और इस किस राजा ने बनाया कहना मुश्किल होगा, लेकिन उद्यानचंद का जिक्र हुआ है कि उसने पहली बार उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था और इसीलिए हम कहीं पर भी ये डाल देते कि बालेश्वर मंदिर उद्यानचंद ने बनाया, जिसमें कुंज शर्मा नामक गुजराती ब्राह्मण का सहयोग रहा, मतलब कुंज शर्मा नामक गुजराती ब्राह्मण की मदद से उसे बनाया गया, उसकी सलाह से उसे बनाया गया। लेकिन उसे बनाया किसने, मतलब राजा उद्यानचंद के समय तो उसे बनवाया गया, राजा तो बनवाएगा, तो बालेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था अगर पूछता है तो जगन्नाथ मिस्त्री होगा। बालेश्वर मंदिर की भव्यता को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए, उसके बाद राजा को लगा कि बालेश्वर मंदिर जैसा मंदिर कोई और न बना ले, इसलिए जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ काट दिया गया और इससे व्यथित और दुखी होकर जगन्नाथ मिस्त्री ने भी अपनी पुत्री
की मदद से, अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से जागे ये बालेश्वर मंदिर से भी एक भव्य इमारत, एक हथियानौला का निर्माण करवाया। इस कहानी का उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के इतिहास में। तो खैर, जो लिखा है एक बार फिर से कि राजा द्वारा बालेश्वर मंदिर के निर्माण कार्य के बाद जब जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ कटवा दिया गया तो उसने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से एक हाथ से ही बालेश्वर मंदिर से भी शानदार वास्तुकला का नमूना एक हथियानौला का निर्माण करवा दिया, यानी चंपावत में एक हथियानौला। तो इनकी राजधानी है चंपावत। तो बालेश्वर मंदिर को निर्माण कार्य में जो वास्तुकार हैं वो जगन्नाथ मिस्त्री हैं, और फिर उनके साथ जो हुआ, जैसे ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए गए तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। तो उसने उससे भी एक भव्य इमारत बना दी, एक हथियानौला, जो कि काफ़ी फेमस है उत्तराखंड के इतिहास में। तो किसकी है? जगन्नाथ मिस्त्री की। और एक घटना कब की है? तो उद्यान चंद के समय। चलिए, उद्यान चंद से प्रश्न बने हमारे पास, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य। उद्यान चंद के बाद आत्मचंद द्वितीय, हरिचंद सेकेंड, विक्रमचंद गद्दी पर बैठे। और विक्रमचंद से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि विक्रमचंद से संबंधित एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है, मतलब उद्यानचंद के बाद एक ताम्रपत्र लेख विक्रमचंद का मिला है, कहता है, जो कुंज शर्मा नामक एक गुजराती ब्राह्मण का बताया गया। और इसका लेख रचयिता रामपारणी था, मतलब इसको किसने लिखा है कहना मुश्किल है, लेकिन ये कुंज शर्मा नामक एक गुजराती ब्राह्मण का था जिसकी सलाह से उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर को बनाया। अच्छा, ताम्रलेख, विक्रमचंद से संबंधित जो ताम्रलेख मिला हुआ है, ताम्रलेख में बताया गया है कि विक्रमचंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। ये प्रश्न पूछता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा किया, पूछा है इस बार, किसने बनाया? तो उद्यानचंद। किसने पूरा किया पहली बार, किसने बनाया अगर आ रहा है तो उद्यानचंद। इसको कई बार राजाओं द्वारा बनाया जाएगा, बाद में रुद्रचंद भी बनाएंगे, लेकिन इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो विक्रमचंद। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है विक्रमचंद के दो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। विक्रमचंद के दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए, कहते हैं, वहीं पर बालेश्वर मंदिर के पास। और उसे बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, जिस पर उसकी डेट 1423 लिखी हुई है, और चंपावत ताम्रपत्र जिसमें 1434 लिखा हुआ है, इससे अनुमान लगाया गया कि इसका निर्माण कार्य अब पूरा हुआ है, जो विक्रमचंद का टाइम पीरियड था। तो ये था उद्यानचंद से विक्रमचंद तक का इतिहास, मतलब कि उद्यानचंद ने उसकी नींव डाली थी, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था और उसे पूरा नहीं कर पाया, तो विक्रमचंद ने उसे पूरा किया, जिसका प्रमाण विक्रमचंद के दो अभिलेखों से मिलता है, जो कि बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और चंपावत ताम्रपत्र है। चलिए आगे, इसी वंश में एक महान राजा हुए भारतीचंद, जो कि इस वंश के 35वें राजा थे। भारतीचंद से प्रश्न बनेंगे अब। भारतीचंद 1437 से लेकर 1450, इस बार दिल्ली सल्तनत बहुत शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, और यहाँ पर सैयद वंश का राज होगा लगभग। तो भारतीचंद चंद वंश का 35वां राजा है, कभी कभी सीधा नंबर पूछ रहा है। और भारतीचंद के समय डोटी नेपाल का राजा जयमल था, क्योंकि डोटी राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। और मैंने कहा था कि सोमचंद के समय से ही ये चंद वंश के लोग डोटी राज्य को कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि डोटी राज्य वहाँ से टैक्स की वसूली करता था, उगाही करता था, और इसलिए डर के मारे यहाँ के राजा उनको टैक्स दिया करते थे ताकि बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जा सके। लेकिन भारतीचंद ने प्रण किया कि वो डोटी राज्य को टैक्स कर नहीं देगा। तो इसलिए पूछा है कि भारतीचंद के समय डोटी नेपाल का राजा कौन था? जयदेवमल या जयमल। और अब भारतीचंद से और क्या प्रश्न? एक तो वो चंदवंश के 35वें राजा हैं और उनके समकालीन पश्चिमी नेपाल क्षेत्र में डोटी राज्य में ये है राजा। अच्छा, भारतीचंद ने अब डोटी राज्य से निपटने के लिए किस प्रकार डोटी राज्य से या डोटी राज्य को दिए जाने वाले कर से मुक्ति पाए राजा, तो उसने क्या किया? भारतीचंद ने समाज की समस्त जातियों की एक कटक यानी सेना बनाई ताकि उसमें सभी का सहयोग हो, समर्थन हो, और सोर की ओर प्रस्थान यानी पिथौरागढ़ की ओर प्रस्थान कर पिथौरागढ़ मुख्यालय में इसका पड़ाव बनाया, जिसका प्रमाण देव सिंह मैदान पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के समीप कटकुनौला से प्राप्त होता है। कटकुनौला में इस टाइप के प्रमाण है कि यहाँ पर भारतीचंद की सेना ने बहुत लंबे समय तक डेरा डाला था। तो देव सिंह मैदान कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के कटकुनौला के पास, उस समय के इतिहास के अनुसार। तो भारतीचंद से प्रश्न बन रहे थे। अच्छा, भारतीचंद द्वारा
मल्लों के सेरा क्षेत्र पर अधिकार किया गया। सेरा मंडल डीडीहाट के लिए आता है वैसे सब, और शोर पिथौरागढ़ के लिए। तो भारतीय जनता द्वारा मल्लों के सेरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया और डुंगरा बछेड़ा को सामंत घोषित किया गया। ये पूछा है प्रश्न कि डुंगरा बछेड़ा किसका सामंत था, तो भारतीय चंद का, वो भी कहाँ, सेरा मंडल डीडीहाट वाले क्षेत्र में, अस्कोट के समीप सेरा मंडल। तो सेरा मंडल शब्द आए या सेरा क्षेत्र आए तो डीडीहाट वाला क्षेत्र होगा आज के हिसाब से, बार बार आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंगरा बछेड़ा किसका सामंत था पता चला हमें। अच्छा, भारतीय चंद ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाल दी, मतलब चंद राज्य को डोटी राज्य के से कर मुक्त कर दिया, ये कह सकते हो आप। तो भारतीय चंद ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और चंदों को डोटी राज्य से स्वतंत्र कराकर कर देना बंद कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब चंद राजा डोटी राज्य को कर देने से मुक्त हो चुके हैं, तो वो नाम है भारतीय चंद। और इसी दौरान भारतीय चंद को संघर्ष करना पड़ा होगा डोटी राज्य से, तो उसने एक लंबी सेना बनाई थी, ये हम कह रहे थे। भारतीय चंद और डोटी राज्य के बीच 12 वर्षीय युद्ध का उल्लेख मिलता है। इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है कि 12 वर्षीय युद्ध किस चंद राजा ने डोटी राज्य से लड़ा था, तो भारतीय चंद, जिसमें भारतीय चंद की विजय हुई थी लास्ट। अच्छा, इस युद्ध के दौरान ही, मतलब जब वो चंद राज्य डोटी राज्य से लंबा संघर्ष युद्ध लड़ रहा था या युद्ध लड़ रहा था, तो इस दौरान और क्या क्या घटनाएं घटी। तो डोटी युद्ध के समय भारतीय चंद द्वारा कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया था। कटकाली प्रथा के बारे में पूछता है क्या है। इसके तहत बिना विवाह की कन्याओं को अपने घर रख लिया जाता था, जिससे परिणाम स्वरूप नायक जाति का उद्भव हुआ। यह अपने आप में आधुनिक इतिहास में टॉपिक है, नायक जाति का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका अंत हुआ, जिन्हें चंदों की अवैध संतान माना जाता है। तो कटकाली प्रथा में क्या होता था कि बिना विवाह की कन्याओं को अपने घर रख लिया जाता था, चंद सेना की विशाल सेना के सेनापतियों द्वारा या सैनिकों द्वारा, और उसके परिणाम स्वरूप नायक जाति का उद्भव हुआ। पूछा है कि नायक जाति के बारे में, और जिन्हें चंद की, बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में इसका अंत होगा कमिश्नरों के द्वारा, तो उसका जिक्र वहीं मैंने आधुनिक काल में हुआ कि किस प्रकार नायक जाति का अंत हुआ अंग्रेजों के द्वारा। और ये जो जो भारतीय चंद था, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा उसने और डोटी राज्य से मुक्ति पाली कर देने से, इसमें सबसे बड़ा योगदान था भारतीय चंद के पुत्र का। भारतीय चंद के पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर सेरा, सोर मतलब पिथौरागढ़, सेरा मंडल डीडीहाट तथा थल पर अधिकार कर लिया गया था। और भारतीय चंद के समय डीडीहाट यानी सेरा मंडल, जैसे मैं कह रहा था कि सेरा मंडल शब्द होगा तो डीडीहाट के लिए होगा, मैं बलि नारायण मल तथा सोर में बमसा का शासन रहा था। तो डीडीहाट की बात पर्टिकुलर, सेरा बलि नारायण मल और सोर में बमसा का शासन रहा था। अच्छा, और भी कुछ भारतीय चंद के बारे में कहावत है कि भारतीय चंद और कुमायूं के प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्यान के मध्य मल्ल युद्ध का या द्वंद्व युद्ध का उल्लेख मिलता है, कि भारतीय चंद को भागा धौन्यान ने चुनौती दे दी थी और फिर उनके बीच एक मल्ल युद्ध हुआ तो जिसमें भारतीय चंद की हार हो गई, ये भी लिखा गया है कहीं पर इतिहास में। खैर, जो भी हो, अंततः 12 वर्षीय संघर्ष के बाद भारतीय चंद ने डोटी राज्य से मुक्ति पा ली। पहली बार ऐसा हो रहा था। खेती खान ताम्रपत्र, लोहा घाट और छुड़ैती के ताम्रपत्रों से भारतीय चंद के पुत्र सुजान कुंवर तथा कुंवर रतन चंद के नाम आए हैं। मतलब ये पूछा है कि सुजान कुंवर किसका बेटा था, मतलब भारतीय चंद का बेटा रतन चंद तो ही, लेकिन एक और नाम आया यहाँ पर सुजान कुंवर का, और इसका उल्लेख छुड़ैती ताम्रपत्र और खेती खान ताम्रपत्रों से, क्योंकि यहाँ तक इनका विस्तार हो गया था जो इसके साम्राज्य विस्तार में मदद कर रहे थे। और फिर भारती चंद के बाद उसके पुत्र रत्न चंद का जिक्र हुआ, जिसको भारती चंद ने अपने गद्दी पर बैठे बैठे ही उसे जिम्मेदारी दे दी थी, अपने जीवन काल में ही गद्दी पर बैठा दिया था। मतलब रत्न चंद चूंकि योग्य सेनापति था और साम्राज्य विस्तार में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसीलिए भारती चंद ने अपना जिंदा रहते रहते रत्न चंद को गद्दी पर बैठा दिया। और राजा बनने से पूर्व वैसे चौगरखा परगना पश्चिमी कुमाऊं का शासक। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कभी कि रत्नचंद राजा बनने से पहले कहाँ का परगना या किस परगने का शासक था या जिम्मेदारी संभालता था, चौगरखा परगना, और ये पश्चिमी कुमाऊं का हिस्सा था पूरा। ये था भारती चंद और उसके पुत्र रतनचंद की कहानियाँ। और फिर इसी बाद में चलकर आगे रतनचंद ही इस वंश का शक्तिशाली राजा रहा। चलिए, रतनचंद के बारे में दो शब्द, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भारती चंद का पुत्र था और 450 से लेकर 488 तक राजा रहा। और सबसे पहला डोटी अभियान, एक आध क्वेश्चन अच्छा सा मिलेगा। जिस डोटी पर भारतीय चंद ने साम्राज्य विस्तार करने में 12 वर्ष लगाए,
इसमें रतन चंद का भी अहम योगदान था। डोटी राज्य से कर की मुक्ति कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष थमा नहीं है। भारती चंद की मृत्यु के बाद डोटी राज्य का शासक नागमल आ गया, जिसने पुनः चंद राज्य को अपना करद राज्य बनाने का प्रयास किया, यानी फिर से उसने अपनी साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया नागमल। अब अंततः रत्नचंद ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, परिणामतः नागमल मारा गया। पहली बार ऐसा हो रहा था जब कोई डोटी का राजा चंद राजाओं से युद्ध करता हुआ मारा गया है, वह नागमल। तो ध्यान रखिएगा, नागमल यानी डोटी का राजा नागमल किस चंद राज्य से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया, तो रतनचंद। और उसके बाद रतनचंद ने डोटी राज्य को अपने अधिकार में कर लिया और शाही वंश के राजाओं को वहाँ का रैका यानी राजा बना दिया, मतलब वहाँ की सारी जिम्मेदारी वहीं शाही वंश के राजाओं यानी उनको बना दिया और उनको रैका या राजा कहा जाने लगा। तो ये रतनचंद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसने डोटी राज्य के राजा नागमल को पराजित कर मार डाला और वहाँ की जिम्मेदारी शाही वंश के लोगों को सौंप दी। और इसके बाद उसका वर्चस्व और साम्राज्य विस्तार और बढ़ने लगा। और फिर रतनचंद ने जुमला, बजांग, थल इन पर अधिकार कर लिया। डोटी विजय की से उत्साहित होकर राजा रतनचंद ने जुमला, बजांग और थल राज्यों पर आक्रमण कर दिया। जिस समय जुमला का शासक कौन था पूछेगा, तो जगन्नाथ भट्ट, और बजांग का राजा कौन था, तो खड़क सिंह मेहरा। ये सब क्षेत्रीय राज्य थे, क्षेत्रीय परगने हुआ करते थे, कोई बहुत बड़े राज्य नहीं थे। थल के राजा सूर सिंह मेहरा, ये सब नाम। उपरोक्त तीन राजाओं ने रत्नचंद से संधि कर ली और रत्नचंद राजा को प्रतिवर्ष एक नामा कस्तूरी और एक कमान और तीरों से भरा तरकस और एक घोड़ा और बाज देना, मतलब इन लोगों ने रत्नचंद से संधि कर ली और टैक्स देना, टैक्स के रूप में बहुत सारी चीज़ों को देना स्वीकार कर लिया। थम तो जुमला, बजांग, थल पर अधिकार करना, वो सब तब हुआ जब उसने सेरामंडल को जीता था। उसके बाद अच्छा, उसके बाद सोर यानी पिथौरागढ़, रत्नचंद द्वारा सोर के वम राजा को पराजित करके उसके परगने को अपने राज्य में मिला लिया गया। पहली बार हो रहा था जब सोर का वम राजा हार गया, यानी वमसाई है उसका नाम, जिससे अब तक सीरा के मल्लों से अपने राज्य में शामिल कर रखा था, मतलब इसके अंतर्गत ही सीरा आता था। कह रहा है सीरा और सोर दोनों रत्नचंद ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। इसके बावजूद भी रत्नचंद एक धार्मिक राजा था, मतलब वीर योद्धा तो था ही, धार्मिक राजा था, जिसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की थी और वहाँ धर्मशाला बनवाई और मंदिर को कई गांव दान दिए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जागेश्वर मंदिर को कई गांव दान भेंट किए जा रहे हैं किसी चंद राजा के द्वारा, और वहाँ पर जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की उसने। और सबसे बड़ा प्रश्न जो रत्नचंद से है वो ये, जो कि कई बार आ भी चुका है प्रश्न, कि रत्नचंद के समय पहला भूमि बंदोबस्त, मतलब चंदों में पहला भूमि बंदोबस्त का जिक्र इसी के समय हुआ है, जिसका अधिकारी जिंदा केतल था। ये सेरामंडल क्षेत्र में हुआ कहा जाता है कि सेरामंडल क्षेत्र जिसको रत्नचंद ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, वहीं पर उसने पहली बार भूमि बंदोबस्त करवाया, और उस बंदोबस्त अधिकारी कौन था, तो जिंदा केतल। तो ये बंदोबस्त करवाया किसने, तो रत्नचंद। ये था आज का टॉपिक, थोहरचंद से रत्नचंद तक की कहानी। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी आने वाले 4 या 5 वीडियोज में हम उत्तराखंड का चंद राज्य का इतिहास और उसका प्रशासन कवर कर चुके होंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसकी सीमा से बाहर न जाए। ये थी अब तक की 2 क्लासें और शेष चंद और उसका इतिहास आगे चलता रहेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।